यार अगर पोटैटो वेजेस एक बार बनाकर खा लेंगे ना तो फ्रेंच फ्राइज खाना भूल जाएंगे। सच, इतने क्रिस्पी, इतने क्रंची और इतने सारे फ्लेवर्स, एक बार से काम नहीं चलेगा, बार बार बनाकर खाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आलू को काट कर 50% पकने तक उबाल लो, फिर ठंडा करके मैदे की एक कोटिंग कर दो। फिर बनाना है एक घोल जिसमें डालो मैदा, कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, काली मिर्ची, नमक, गार्लिक, बटर और हरा धनिया। ध्यान रखना कि घोल पतला हो और चम्मच पर से फिसले, लेकिन एक लेयर बन जाए। फिर डुबाओ इसमें वेजेस और हाई फ्लेम पर गर्म ऑयल में फ्राई करो। ध्यान रखना ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए। फिर तलो तब तक जब तक कि चलनी में से छन छन की आवाज़ ना आने लगे। आई ना, आज का शॉर्ट आउट जाता है इनको। आपको भी चाहिए तो कमेंट करिए। ये ट्राई नहीं करा तो कुछ मिस जरूर करोगे। ट्राई करो।